आपके बोर्ड में अगर रीजन का पिन है और बूट का पिन है और फेस का पिन है तो इसे भी आप चेक कर ले। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना होगा रीजन, रीजन जो होता है आईसी सेल्फ टेस्ट के लिए होता है, जो कि ये भी आपको बनना चाहिए। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, जो कि हम लोग बात करते हैं चार्जिंग आईसी के बारे में, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे बोर्डों में जब रिपेयर करते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता है कि चार्जिंग आईसी का फॉल्ट है या क्या है। देखते हैं कि वोल्टेज सेक्शन के कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनता है, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि हम आईसी को चेंज करते रहते हैं और फिर भी हमारा जो सेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि BQ24 और 738 जो आईसी है वो आईसी किस तरीके से काम करता है वोल्टेज सेक्शन के लिए। तो इसमें है दो पार्ट में मैं आपको इस वीडियोस के अंदर इसको बताऊंगा। तो पहला पार्ट में आपको वोल्टेज सेक्शन के बारे में टोटली डिस्कस करूंगा, देन दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि चार्जिंग आईसी किस तरीके से काम करता है, यानी चार्जिंग सेक्शन के लिए कैसे काम करता है। तो पहला हम लोग चलेंगे कि वोल्टेज सेक्शन यानी जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट पे अगर 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनता है तो उस केस में हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। चलिए तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यह काम करता है। तो यहां पर सबसे पहला कि चार्जिंग आईसी को जब आप चेक करेंगे तो किस तरीके से हमें चेक करना चाहिए और कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हमारा चार्जिंग आईसी ओके है या फॉल्टी है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे नंबर वन, अगर इस टाइप का अगर आईसी है आपके पास तो इस आईसी को प्रॉपर तरीके से आप किस तरीके से चेक करेंगे वो चीजें मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला आपको जो चेक करना है यहां पर वीसीसी चेक करना है, ठीक है। वीसीसी यानी जो होता है वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर, जो कि आपको यहां से वोल्टेज जो चेक करना है तो इसके बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टर लगा होता है सबसे पहला। तो वीसीसी यानी होता है इनपुट, यानी इस तरीके का इसमें एक डायोड लगा होता है और एक रजिस्टर लगा करके इसमें वीसीसी इसको दिया जाता है और यहाँ पर वी इन एक सप्लाई होता है। तो सबसे पहले अगर आपके बोर्ड में 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है इसके अंदर, वीसीसी। नंबर एक पे जो आपको चेक करना है वो वीसीसी का सप्लाई चेक करना है। अगर वीसीसी नहीं बनेगा तो उस केस में आपको दिक्कतें आएगी, बोर्ड रिपेयर नहीं होगा। सबसे पहला वीसीसी को हमने चेक कर लिया, यानी वीसीसी हमारा ठीक है या नहीं है, तो वीसीसी को पहले कंफर्म करेंगे। देन दूसरे नंबर पे आपको क्या चेक करना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि क्या चेक करना चाहिए। जब आपका वीसीसी ओके हो जाता है तो उस केस में दूसरे नंबर पे आपको चेक करना है एसी डिटेक्ट, यानी एसी डिटेक्ट यानी रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। तो 6 नंबर पे देखेंगे यहां पर एसी डिटेक्ट का एक पिन है। वीसीसी हमारा क्लियर है, यानी वीसीसी जब 19 वोल्ट की सप्लाई अगर बन रहा है तो उस केस में आपको चेक करना है एसी डिटेक्ट। तो एसी डिटेक्ट में लगा होता है एक वोल्टेज डिवाइडर, जो कि आपको वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग यहां पर चेक कर लेना है कि यहां पे 19 वोल्ट होगा तो वोल्टेज डिवाइडर R1 और R2 के अकॉर्डिंग इस पे वोल्टेज चेक कर लेना है कि कितना बन रहा है। तो इस पे अप्रोक्स बनता है 2.5 वोल्ट, तो आपको चेक करना है 2.5 वोल्ट यहां पर मिलना चाहिए। तो इसके अंदर ये चीजें वीसीसी के बाद आपको जो चेक करना है एसी डिटेक्ट का पिन पे चेक करना है कि वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, अगर आपके बोर्ड में अगर रीजन का पिन है और बूट का पिन है और फेस का पिन है तो इसे भी आप चेक कर ले। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना होगा रीजन, रीजन जो होता है आईसी सेल्फ टेस्ट के लिए होता है, जो कि ये भी आपको बनना चाहिए। अगर ये नहीं बनेगा फिर भी ये मॉस्फेट के लिए गेट इनेबल के लिए वोल्टेज को आउट नहीं करेगा तो इस पे आपको वोल्टेज जो देखने को मिलेगा वो 6 वोल्ट के अप्रोक्स देखने को मिलेगा, तो 5 से 6 वोल्ट के आसपास यहां पर आता है, तो यानी 6 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा रीजन के ऊपर। अगर ये नहीं बनता है तो डायरेक्टली आप आईसी को चेंज करें क्योंकि आईसी आपका खराब हो चुका है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका रीजन भी बन रहा है और वीसीसी भी आपका ओके है, एसी डिटेक्ट भी ओके है और ये तो ऑलरेडी इसी सर्किट से जुड़ा होता है, तो बूट पे भी 6 वोल्ट ही बनेगा और फेस पे भी आपको 6 वोल्ट ही देखने को मिलेगा, तो ये चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। देन दूसरे नंबर पे आपको क्या चेक करना है, पहला नंबर तो हमारा ये हो गया, दूसरा नंबर एसी डिटेक्ट हो गया और तीसरा नंबर आपका रीजन हो गया।
तो रीजन पे आपका वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर, देन दूसरे नंबर पे आपको क्या चेक करना चाहिए, तो तीसरे चौथे नंबर पे आपको सबसे पहला, तो यहां पर देखेंगे एक पिन है एसी डीआरवी यानी एसी ड्राइव। ये क्या करता है, जो फर्स्ट मॉस्फेट और सेकंड मॉस्फेट दोनों का गेट एक दूसरे से अटैच होता है, तो ये चीजें जाएगा आपके पास फर्स्ट और सेकंड मॉस्फेट का गेट को इनेबल करेगा, तो इसको आपको चेक करना, तो ये यहां पर चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद सीएमएस सारसी की बात करें, तो ये क्या होता है कि जब फर्स्ट मॉस्फेट और सेकंड मॉस्फेट जब दोनों का गेट इनेबल होता है, तो उसी समय क्या होता है कि जब आपका यहां से इनेबल सिग्नल गया, सारा चीजें गया, तो ये फिर क्या करता है, डिस्चार्जिंग मॉस्फेट यानी बीटीडीआरबी का गेट को पहले डिसेबल करता है। पहले क्या करता है, बीटीडीआरबी यानी बैटरी की जो सप्लाई होता है उसको डिसेबल कर देता है, कि जिससे कि आपका बैटरी की सप्लाई स्टॉप हो जाए और वोल्टेज की सप्लाई कंटिन्यू हो जाए। तो सबसे पहले आपको एसी डीआरबी चेक करना चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे सीएमएस आरसी, जो सीएमएस आरसी का जो पिन है, तो ये आईसी के ऊपर इंफॉर्मेशन आता है कि लैपटॉप में आप एडाप्टर का सप्लाई प्रेजेंट हो चुका है, तो जैसे ही यहाँ पे एडाप्टर की सप्लाई प्रेजेंट होता है तो बीटीडीआरबी का सप्लाई यहाँ पे बंद हो जाता है, जिससे कि आपको यहाँ पे लैपटॉप जो है वो एडाप्टर मोड पे प्रेजेंट हो जाता है। तो इन चीजों के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि अगर आपके बोर्ड में 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है, तो ये सारे प्रोसेस को आप फॉलो करें और आपको बोर्ड इजिली रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहला आपको जो इसमें चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर एक पे पहले वीसीसी चेक कर लेना है, दूसरे नंबर पे एसी डिटेक्ट चेक कर लेना है, और तीसरे नंबर पे आपको रीजन को चेक करना है, चौथे नंबर पे जो आपको चेक करना है इसके अंदर, देखिए ये तीन चीजों को आपको पहले चेक करना है। वीसीसी पे आपको 19 वोल्ट देखने को मिलेगा, एसी डिटेक्ट पे आपको 2.5 वोल्ट देखने को मिलेगा, रीजन पे 6 वोल्ट देखने को मिलेगा, और देन उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं एसी डीआरवी। तो अब क्या होगा, एसी डीआरवी यानी एसी ड्राइव यानी वोल्टेज का फर्स्ट मॉस्फेट का जो गेट इनेबल होगा और सेकंड का, तो यहां पर जितना आप इनपुट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनपुट आपने दिया है 19 वोल्ट, 19 प्लस 6, तो ये 6 वोल्ट क्या होगा इसमें प्लस हो जाएगा, जिससे आपका हो जाएगा इसमें जितना भी वोल्टेज इसमें प्लस होगा, तो टोटल यहां पे कितना वोल्टेज आएगा, तो यानी इनपुट वोल्टेज, मान लीजिए यहां पे इनपुट वोल्टेज है 19 वोल्ट, इनपुट प्लस 6 इक्वल जितना होगा उतना वोल्टेज आपको मिल जाएगा। अगर आपने 20 दिया है तो 20 प्लस 6 करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज यहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर 20 वोल्ट है और 6 वोल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग 6 वोल्ट प्लस कर देना, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना यहां पे 25 वोल्ट होगा और यहां पर 26 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना इनपुट होगा उससे 6 वोल्ट प्लस होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर सीएमएसआरसी, सीएमएसआरसी के अंदर जो आपको देखेंगे सीएमएसआरसी वाला जो ये पिन है हमारा, सीएमएसआरसी में आपको कितना, जब क्या होता है कि फर्स्ट मॉस्फेट और सेकंड मॉस्फेट के, अब फर्स्ट मॉस्फेट के ड्रेन पे अगर इन हुआ तो सोर्स से वो आउट होता है, सोर्स से जो आउट होता है तो आईसी को एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि फर्स्ट मॉस्फेट से वोल्टेज आउट हुआ है भी है या नहीं आउट हुआ, तो वहां से फिर आपको यहां पर एक वोल्टेज मिलेगा, जो कि ये वोल्टेज होगा आपका 19 वोल्ट, यहां पे होगा आपका 19 वोल्ट, जिससे कि आपका वोल्टेज प्रेजेंट हो जाता है। देन उसके बाद जो आपको चेक करना है, इसको क्लियर कर लेता हूं, देन उसके बाद जो आपको चेक करना है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहां पे फिर कॉमन पॉइंट को चेक कर लेना है, उसके बाद चेक कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट पे चेक करना है, तो कॉमन पॉइंट पे कितना वोल्टेज मिलेगा, तो आपको 19 वोल्ट देखने को मिलेगा। देन अगर अगर कोई दिक्कत है फिर भी, तो एक बार एस आर एन को चेक करेंगे और एक सॉरी एसीपी और एसीएन को चेक करेंगे, यहां से एक ए सी पी और ए सी एन को चेक करेंगे, जो कि कॉमन पॉइंट से दोनों आपस में क्या होता है, ये दोनों पिन एक ही होता है जो पी आर के दोनों साइड से लगा होता है, और इस पे भी आपको चेक करने को मिलेगा 19 वोल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपके वोल्टेज सेक्शन में अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो इन सभी स्टेप को आप फॉलो कीजिए, 100% आपका वोल्टेज सेक्शन रिपेयर होगा। अगर इसके अलावा अगर आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में जानना है कि चार्जिंग सेक्शन अब किस तरीके से काम करता है, तो उसमें मैं आपको और भी इसके अंदर पूरे डिटेल में बताऊंगा,
फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि अगर कॉमन पॉइंट पे 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनता है और हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसके अंदर आईसी खराब है या सही है, तो उसको आपको इस वीडियो को देख करके पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो जितना मैंने आपको बताया, अगर इतना चीजें ओके है तो 100% आपका वोल्टिंग सेक्शन काम करेगा। और इसी तरीके से आप चेक कर लेना। तो सबसे पहले आप शॉर्टिंग वगैरह पहले चेक करेंगे, अगर आईसी को इस कंडीशन में शॉर्टिंग वगैरह नहीं है तो उस कंडीशन में आपको इस चीजों को फॉलो करना होता है। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक के साथ आपसे मिलता रहूंगा और अलग अलग टॉपिक के बारे में इसी तरीके से मैं बताता रहूंगा। तो इसमें देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा और भी अगर कोई कोर्स आपको करना है, जैसे देखिए हमारे पास मल्टीपल कोर्सेस वगैरह हैं, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, ईवी, मोबाइल फोन, ईएमएमसी रिपेयरिंग, देन एसी मैकेनिकल, एसी पीसीबी रिपेयरिंग एंड सीसीटीवी, तो इन सब टाइप के आपके पास कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई कोर्स करना है तो इसमें से हमारे दिए गए नंबर पे आप जो है सो कॉल कर सकते हैं। देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।